हेलो एवरीवान वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वॉम वेलकम इन दिस एडिटोरियल एनालिसिस सेशन आप सभी का स्वागत है वेलकम में एक बार मुझे बता दीजिए आई एम ऑडिबल एंड विजिबली ऑल प्रॉपरली गुड इवनिंग प्रिया सुधा विश्व सोनी अमन ओमकार वेरी गुड इवनिंग इज एवरीथिंग ऑल राइट एट योर एंड सब कुछ सही सही नजर आ रहा है दिखाई दे रहा है आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं गुड इवनिंग धानेश्वरी सुमित विकास यस सर चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं देखिए आज के द हिंदू एडिटोरियल में जो हमारे पास टाइटल्स हैं फ्लड्स एंड फोज़ ऑन पाकिस्तान फ्लड्स एंड इंडियन रिस्पॉन्स पाकिस्तान में जो बाढ़ आई हुई है और भारत का कैसा रिस्पॉन्स रहा आ, उसको लेकर के है एंड सेकेंड वन फ्लॉगिंग द डेड ऑन जयललिता डेथ एंड द प्रो पैनल्स रिपोर्ट उसके बाद हम करेंगे डेफिनेटली जो वोकेबलरी है और फिर आएगा हमारा स्पीकिंग ट्री जो हमने शुरू किया है इस वीक से इसका भी डिस्कशन और आज के मौके पर बिल्कुल एप्ट uh, है ये टाइटल लेट्स वेलकम गणेश द दी ऑफ विजडम राइट तो ये गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में उनके ऊपर है गणेश जी के ऊपर और क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं क्या मैसेज कन्वे करते हैं वो उसको लेकर के तो शुरुआत कहां से करें <laughs> शुरुआत यहीं से करते हैं फिर एंड करेंगे हम आ जाओ फटाफट वोकैबलरी देखते पहले और फिर क्वेश्चन जैसे आपके पास होते हैं हर दिन वैसे ही मिलेंगे पहला शब्द हमारे पास कॉन्डोलेंसिस बहुत ही बेसिक सा शब्द है कॉन्डोलेंस यहां पर वर्ड आता है आपके पास डी ओ एल और डी ओ एल का मतलब होता है sorrow एक्चुअली यहीं से आता है डोलफुल तो जब आप किसी को कॉन्डोलेंस देते हैं तो इसका मतलब अपनी क्या व्यक्त करते हैं थैंक यू थैंक यू ओमकार बिल्कुल अच्छा हूं आशीष में जी सो सिंपथी एंड सैडनेस फॉर द फैमिली और कोच क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड जब खास तौर से मृत्यु होती है आपके किसी जान पहचान में देन हम यही मैसेज करते हैं माय सिंसियर कॉन्डोलेंसेस सो आप अपना दुख व्यक्त करते हैं वहां पे आर एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्पेशली इन रिटर्न फॉर्म अ लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस डिग्नेटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू ऑफर देयर कॉन्डोलेंसेज पूरी दुनिया भर से डिग्नेटरीज आए अपने कॉन्डोलेंसेज को व्यक्त करने के लिए सोलेस कंपैशन ये इनके कंपैशन का मतलब करोड़ा का भाव होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सिम्पथी स्पेशली फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु डायड चले जी। तो बेसिक सा शब्द था डोल फुल भी याद रखेंगे अगला शब्द है रिसीड सी डी -E ये बहुत प्यारा सा एक रूट वर्ड है जो आपको बहुत सारे शब्दों में दिखाई देता है सी डबल ई डी आ जाएगा कहीं पे सीई डी -E आ जाता है तो रिसीडिंग जैसे आपने सुना होगा रिसीडिंग हेयर लाइन भी किसी के बाल जब झड़ने शुरू होते हैं तो वहां पर भी हम लगा रहे होते हैं यानी माथा उसका चौड़ा हो रहा है री का मतलब बैक

बंद हो गई द पेनफुल मेमरी ग्रेजुअली रिसीडेड इन हर माइंड यानी उसका इंपैक्ट धीरे धीरे कम हो गया सो रिट्रीट और विद्रॉ करना रिसीड करना बेल आउट पैकेज कई बार सुना है आपने द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन डिफिकल्टी यूज बाई गिविंग आर लेंडिंग मनी राइट जैसे सरकार भी जो है जब बैंक्स को पीएसबी जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उनको भी बेल आउट पैकेजेस देती है या जो हमारी पीएसयूज हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जब उनकी हेल्थ खराब होती है तो अगेन सरकार की तरफ से पैसा लगाया जाता है तो बहुत कॉमन शब्द है जो आपको रोज नजर आता है बेल आउट वही है ये थ्री इयर्स ऑफ यूज लॉसेज टू बैंक टू सी कर गवर्नमेंट बेल आउट की सरकार जो है बेल आउट पैकेज दे उनको सपोर्ट दे द प्रोसेस ऑफ सेविंग अ कंपनी प्लान और अदर थिंग फ्रॉम फेलिंग बाय प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ मनी अगला शब्द है ट्रांसिंग ये भी हमने पहले किया हुआ है वन ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट पेमेंट और अमाउंट नेक्स्ट मंथ दे विल सेल अ फर्दर tranche ऑफ शेयर वर्थ अप टू फाइव हंड्रेड मिलियन पाउंड वही जो डील तय हुई है उस डील का जो एक एक, एक मुश्त आप पैसे चुका रहे हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाँ जी मैंने आपको वही कहा था कि आप अगर एक डेढ़ महीने भी दो महीने रेगुलरली अगर एडिटोरियल्स आप पढ़ रहे हो तो बहुत सारी कैब आपको रिपीट होते हुए मिलती है जो शब्द हमें पहले मुश्किल लगते थे वो बहुत आसान लगते हैं साथ ही साथ आप उनके यूसेज की समझ को बढ़ा लेते हो कि ये किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं पोर्शन uh, इंस्टॉलमेंट जिसे हम कहते हैं कि भाई ये पहला इंस्टॉलमेंट है ये दूसरा इंस्टॉलमेंट है अगला शब्द है स्ट्रेंडेड यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे अगर आप स्ट्रेंडेड हैं तो इसका मतलब क्या है कहीं ऐसे ही अनजान जगह पे आप पड़े हुए हैं अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी राइट तो रास्ते में लेफ्ट से एक्सप्रेस वे पे आपकी गाड़ी खराब हो गई है एक्सप्रेस वे है हाईवे भी नहीं है तो so, कई बार आप वहाँ पे डिजर्टेड uh, हो जाओगे अकेले रह गए ही लेफ्ट मी स्टैंडेड इन टाउन विद नो कार एंड नो मनी फॉर अ बस राइट तो न पैसे ही नहीं है बेचारे के पास तो टाउन में ही पड़ा रह गया इफ द टाइड कम्स इन वी विल बी स्टैंड ऑन दीज रॉक्स राइट अगर टाइड आया तो हम इसी रॉक्स पे पड़े हुए मिलेंगे ंग नेसेसरी टू लीव अ सिचुएशन यानी वो चीज को लैक करना जो कि किसी जगह को छोड़ने के लिए जरूरी है तो आपको पैसा अगर हो जाए तभी आप छोड़ पाओगे इस्तेमाल कर सकते हो या गाड़ी चाहिए आपको तो उसके अगर वो नहीं है तो आप वहां पर क्या है आप वहां पे स्टैंडर्ड है सो ड्यूरिंग द स्टॉम स्टैंडेड पैसेंजर स्लिप्ट एट द एयरपोर्ट तो स्टॉम के दौरान जो बेचारे ऐसी पड़े हुए पैसेंजर्स थे उनको एयरपोर्ट पे ही सोना पड़ा मरूंड शब्द भी आता है याद रखिएगा मिटिगेट यह भी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल हार्मफुलजेंट और बैड किसी बुरी चीज के प्रभाव को कम करना डिंडल एटिनुएट करना टू मेक समथिंग लेस लेसिवियर और लेस अनप्लेजेंट कोई चीज जो है जो आपके लिए ज्यादा परेशानी का सबब है उसको कम करना कैटास्ट्रॉफी uh, बेसिक शब्द है अ सडन इवेंट दैट कॉज ग्रेट सफरिंग और डिस्ट्रक्शन राइट नेचुरल कैलॉमिटी जिसे हम कहते हैं होलो कॉस्ट लूजिंग हिज जॉब वॉज अ फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफी फॉर हिज फैमिली तो ऐसा नहीं कि कैटास्ट्रॉफी सिर्फ हम यही मैं कह रहा था यूसेज का आस्पेक्ट कि अगर कैटोस्ट्रॉफी आपको लगे कि नहीं नेचुरल कलैमिटी है प्राकृतिक आपदा को कैटास्ट्रॉफी कहते हैं जो हिंदी मीनिंग रटने से मैं रोकने की बात आपको करता हूँ तो वो इसीलिए है बिकॉज अब फाइनेंशियल कैटोस्ट्रॉफी हो गई तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि यानी घर पर फाइनेंशियल पहाड़ टूट पड़ा है भाई नौकरी चली गई पैसे नहीं आएंगे तो खर्च कैसे चलेगा अ केमिकल प्लांट लीक कुड कॉज एन एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफी दे वर वॉर्म ऑफ द इकोलॉजिकल इकोलॉजिकलफी टू कम स्टीप्ड राइजिंग और फॉलिंग एट अ एंगल कोई चीज जब बिल्कुल सीधी चढ़ान या सीधी उतार होता है तो इसीलिए राइजिंग और फॉलिंग दोनों हो गया शार्प एंगल पे तो उसे हम स्टीप कहते हैं अ स्टीप स्टीप स्लोप इट्स क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन बट द व्यू इज वर्थ इट यानी माउंटेन की चढ़ाई तो बड़ी स्टीप है बट वहां पहुंच करके जो नजारा मिलेगा उसके लिए चढ़ना में कोई दिक्कत नहीं द कासल इज सेट ऑन स्टीप हिल और हिल साइड कासल जो महल है अ स्टीप राइज और फॉल इज वन दैट गोज वेरी क्विकली फ्रॉम लो टू हायर फ्रॉम हाई टू लो देअ हैज बीन अ स्टीप इंक्रीज इन प्राइस राइट डिसोनेंट डिसोनेंट एडजेक्टिव है डिसोनेंस जो है वो आपका नाउन है और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मतलब साउंड होता है कैको का मतलब बैड होता है तो जो कानों को अच्छा ना लगे उसे कैकोफनी कहा जाता है और कल हमने यूफेमिज शब्द किया था और यूफेमिज से ही शब्द आता है आपके पास यूफनी बड़ा पुराना वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो और यूफनी का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है कैको कान को अच्छा लगने वाला ई यू का मतलब गुड अच्छा साउंड सो डिसोनेंट आपको खुद ही समझ आ रहा है कॉन्सोनेस क्या होता है और उसका ऑपोजिट डिसोनेंस नॉट अग्रींग विद नॉट द सेम एज अदर थिंग्स इन अ वे दैट इज आर हार्ड टू एक्सेप्ट अमिट द सेलिब्रेशन ओवर वीक वॉन्ट डिसोनेट वॉयस कुड बी हर्ड डिस वही शब्द यहां पर ब्लिप अ टेम्पररी चेंज दैट डॉट है चांसलर एज ओनली अनेज था इसका कोई बहुत ज्यादा स्पेशल मीनिंग नहीं है राइट right? uh, आप इसको बहुत सीरियसली आप न लें अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजल कंडीशन दैट इज यूजली टेम्पररी द ड्रॉप इन सेल्स लास्ट मंथ वॉज जस्ट अ ब्लिप नथिंग टू वरी अबाउट जैसे बहुत जल्दी परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है वो जस्ट एक टेम्प्ररी सा चेंज था और उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला हैल ग्लिच जैसे जैसे इनके टेक्निकल ग्लिच अब करियर वेलब पे टेक्निकल ग्लिच कुछ थी बैक एंड से कुछ दिक्कत थी तो आपको ये मैसेज भी आया था तो टेक्निकल ग्लिच बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है मैकेनिकल ग्लिच या ग्लिच इन द सिस्टम यानी कोई परेशानी आ गई कोई दिक्कत आ गई आइए एडिटोरियल ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान फोज आपको पता है फोज का मतलब क्या होता है एनेमी फ्रेंड्स एंड फोज तो फ्रेंड्स दुश्मन होते फ्रेंड्स दोस्त हो गए और फोज दुश्मन हो गए इसीलिए देर इज अ सेइंग इन इंग्लिश देर इज़ नो पर्मानेंट फ्रेंड और फोज इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में राजनीति में कोई पर्मानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है भले ही जो भी बयानबाजियां हों लेकिन जब समय आता है तो उसी दुश्मन से सो so कॉल्ड दुश्मन से वो गले मिल लेते हैं एफ तो एफ से दोनों याद रख सकते हो एक दूसरे के ऑपोजिट है फ्रेंड दोस्त हो गया आपके दुश्मन हो गए इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स जाहिर तौर पर एक दूसरे के साथ हैं ही देश थे बाद में अलग हुए तो नेचुरली बेस्ट प्लेस्ड हैं अगर कहीं पे भी कोई नेचुरल कलेमिटी आती है तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं राइट right?

टू द विक्टिम्स ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान पाकिस्तान में जो बाढ़ आई उस बाढ़ के जो लोग शिकार हुए हैं उनकी दिक्कतों के लिए उनकी मौतों के लिए उन्होंने दुख व्यक्त किया और इस चीज़ को कहा जा रहा तो है कि इट्स अ वेलकम जेस्चर ये वेलकम जेस्चर एक अच्छा जेस्चर है तौर से आफ्टर वीक्स ऑफ आफ साइलेंस हफ्तों की साइलेंस के बाद ओबर वॉट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स इन द नेबरहुड इन रिसेंट टाइम्स यानी पिछले कुछ समयों में सबसे ज़्यादा बुरा बुरे हालात का ये नेचुरल डिज़ास्टर रहा और

ग्रस्त हैंड एस्टिमेट अबाउट टेन बिलियन डॉलर इन डैमेज टू होम्स रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और करीब दस बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इस नेचुरल कलामिटी की वजह से जिसमें घर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हुए द फ्लड्स हैव अफेक्टेड स्टैंडिंग क्रॉप्स खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा एंड द वॉटर्स रिसीड फियर्स ऑफ डिजीज एज वेल एज फ्लड शॉर्टेजेज फूड शॉर्टेज एक्सपेक्टेड टू राइज एज द वॉटर रिसीड यानी पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा अभी तो बाढ़ की सिचुएशन है जब पानी नीचे जाएगा तब बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी डेड बॉडीज डिकम्पोज होंगी जानवर इंसान राइट right? तो वही चीज यहां पे लिखी है एज द वॉटर्स डिजीज फियर्स ऑफ डिजीज एज द वॉटर्स रिसीड जब से पानी नीचे आएगा बीमारियों का जो डर है एज वेल एज फूड शॉर्टेज खाने की कमी ये एक्सपेक्टेड है इनमें बढ़ोतरी होगी इन एडिशन हो इसके अलावा द वरी दैट द डिवास्टेटिंग बीन कॉज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज द वरी फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया भाई नेचर ने ये ग्लोब बनाया हम इंसानों ने बाउंड्रीज और बॉर्डर्स बनाए हैं तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी के यहाँ दिक्कत हो रही तो आपके यहाँ दिक्कत नहीं होगी तो अगर ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है कि इस अस्तर का की बाढ़ हमें देखने को मिल रही है तो ये पूरी साउथ एशिया के लिए चिंताजनक है वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजनस मोस्ट वलरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग और ख़ासतौर से अगर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की बात करें तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादा वलरेबल हैं ऑन ट्यूजडे यू सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज लॉन्बल अपील फॉर ए ट बाई ए मॉनसून ऑन स्टेरा अब ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ मानसून ऑन स्टेराइड्स अब इसका क्या मतलब है जब आप स्टेराइड्स ले लेते हैं तो ज्यादा जोश में आ जाते हैं जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के ऊपर ये आरोप लग रहे होते हैं भाई स्टेराइड लेकर के बॉडी बनाई है या खिलाड़ियों के जो डोप टेस्टिंग होती है पहले राइट तो वही चीज है कि जब आप स्टेराइड ले लो तो यानी ज्यादा ही जोश में आ गए अपनी जरूर जो जितनी आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा तो मानसून और स्टेराइड का मतलब क्या कि मानसून को जितना प्रभावित करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा ही वो प्रभावित कर रहा है ऐसा उन्होंने कहा इंडिकेटिंग अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न कंट्रीज सच एज द यूके द यूएस चाइना द यू ए कतर टर्की है एंड मेनी अदर्स हैव प्रोम हेल्प वाइल द आई एम एफ अनाउंस वन 1.1 बिलियन डॉलर बेल आउट फ्रांसे ऑन ट्यूजडे पहली किस्त पहली इंस्टॉलमेंट जो मदद की है वो 1.1 बिलियन डॉलर की है वो ट्यूजडे को उन्होंने प्रॉमिस किया आईएमएफ ने अनाउंस किया एज पार्ट ऑफ आन गोइंग निगोशिए कंट्री दैट इज ऑलरेडी स्टीप इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है बहुत सारे कर्ज से लदा हुआ है सो so, और इतने सारे देशों ने मदद की है और या करने के लिए प्रॉमिस किया है गिवेन दैट द क्राइसिस विल ओनली डीपन एट दिस पॉइंट पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता स्माइल ऑल्सो सेड ऑन मंडे दैट ही मे प्रपोज लिफ्टिंग द ट्रेड बैन इम्पोज ऑन इंडिया कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन इन ट्वेंटीज दस फॉर इस्लामाबाद हैज ओनली मेड एक्सेप्शन फॉर फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन पैंडमिक एंड इंडिया तो अब यहां पे बात क्या की जा रही है कि इस पॉइंट पे आकर के ये क्राइसिस और गहराएगा ही और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इसमाइल साहब ने नेट तो ऑन मंडे क्या कहा उन्होंने कि ही मे प्रपोज लिफ्टिंग द ट्रेड बैन इंडिया के साथ जो ट्रेड पर बैन लगा हुआ है उसको लिफ्ट करने की बात कर सकते हैं आ, कर सकते हैं ऐसा वो ऑन इंडिया आफ्टर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन इन 2019 नाइनटीन सो एज़ टू इम्पोर्ट इंडियन वेजिटेबल्स एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ जो खाने की दिक्कत आने वाली है कम से कम वो सब दिक्कतें तो नहीं रहेंगी आदान प्रदान हो सकता है सामानों का जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वेजिटेबल्स हैं और इस्लामाबाद हैज़ ओनली मेड एक्सेप्शन फॉर फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स अभी तक क्योंकि ये ट्रेड पे रोक लगी हुई है लंबे समय से uh, टेरिज़म के नाम पे और जो टेर्रजम की दिक्कत है उसकी वजह से तो ओन और इस बात में एक्सेप्शन कब आया कोविड नाइन्टीन के समय फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स के लिए जब दवाओं की जरूरत थी तब जा कर के उन्होंने सिर्फ दवाओं के लिए वो बैन हटाया था वही लिखा दस बार इस्लामाबाद हैज़ ओनली मेड एक्सेप्शन फॉर फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स फ्राम इंडिया ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन पैंडामिक एंड इंडियान एड टू अफगानिस्तान राइट अफगानिस्तान को जो हमने एट भेजी उसके लिए रास्ते खोले गए डिस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज बोथ न्यू डेली एंड इस्लामाबाद मस्ट पुट असाइड देर डोमेस्टिक कंसिडरेशन एंड सीज द मोमेंट टू हेल्प दो स्टैंड इन द फ्लरिंग एज बेस्ट द कैन भैया लिखा है कि भाई अपनी जो पुअर स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है टाइज है उसको किनारे रख करके इस समय दोनों को uh, इस बात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि वो कुछ ऐसा करें जिससे जो लोग स्ट्रैंडेड हैं इस बाढ़ की वजह से उन वो बेहतर हालात में हो और इस मोमेंट को सीज करें इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें इंडिया के नॉट प्राइड इट सेल्फ एज बींग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड एज इट हैज बीन फॉर नेपाल श्रीलंका द मालदीव्स एंड अफगानिस्तान इफ इट फेल्स टू सी द सफरिंग राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान तो कह तो 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 रहा है इंडिया जो है इस बात पे प्राइड नहीं ले सकता कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है कि भाई उसने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया जैसा कि उसने बाकी के केसेस में किया है अगर हम बात करें अपने पड़ोसियों के मामले में तो नेपाल श्रीलंका मालदीव अफगानिस्तान यहाँ हम फर्स्ट रिस्पोंडर्स रहे हैं बड़े भाई के तौर पर रोल निभाए कि छोटे देश हैं अगल बगल के देश हैं इनको मदद की ज़रूरत है वो हमने किया है लेकिन ऐसा हमने पाकिस्तान के मामले में नहीं किया इफ़ इट फेल्स टू सी द सफरिंग राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान राइट right, तो बगल में ही हो रहा है अगर ऐसा आप करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाली बात में प्राइड नहीं ले सकते इट वुड बी चर्लिश एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भी व्यू पॉइंट आ गया कि ये बहुत ही चर्लिश होगा राइट right? बहुत ही बचकानी हरकत होगी आ, और शॉर्ट साइटेड ये व्यू पॉइंट होगा उनका आ, अगर वो रिजेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया दैट हैज ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट ट्रेड बैन करोगे तो आपको ही नुकसान ज्यादा होने वाला है आपके लोग परेशान रहेंगे आपकी कंपैरिज़न में भारत की इकोनॉमी का स्केल बहुत बड़ा है तो उससे फायदा तो आपको ही होने वाला है हैज़ ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट को हर्ट करेगा एंड टू गिव सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाईज एट ऑफ सच कलामिटी पड़ोसी है बगल से अफोर्डेबल सप्लाईज आपको मिलेगी पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे एंड इट वुड बी बोथ ट्रेजिक एंड रिडिकुलस इफ द एनिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर एट अ टाइम सच एज दिस इवन एज देयर गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स टू प्ले ईच अदर फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशन मैच अभी पीछे हुआ तो अगर मैच करा सकते हो फाइनेंशियल कंसिडरेशन्स को ध्यान में रखते हो तो ट्रेड तो करा ही सकते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आदमी खाएगा नहीं बेसिक चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो ये तो मनोरंजन और खेल और आर्ट और कल्चर ये सब तो बाद में आता है इंसान को जिंदा रहने के लिए पहले जो बेसिक उसकी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए तो इतना तो कर ही सकती हैं दोनों सरकारें दोनों देश तो वही कहा जा रही है दुखद भी और रिडिकुलस भी है इफ द एनमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर एट अ टाइम सच एज दिस सिग्निफिकेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर ड्यू टू ट्रैवल इन फॉर द ट्रेवल समिट राइट जाने वाले हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात होने वाली है उज्बेकिस्तान में सेप्टेंबर में आप देखो करंट अफेयर्स आपका तैयार होता है अखबार पढ़ने का यही फायदा है राइट right, कब हुआ कहाँ हुआ वाइल अ मोर लास्टिंग डायलॉग दैट हैज बीन सस्पेंडेड बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर नियरली अ डिकेड ओवर द टेररिज्म इशू टेररिज्म के मुद्दे पे लगभग एक दशक से चीजों में दिक्कत है बातचीत नहीं है uh, एक ग्रिड लॉक सिचुएशन है इज अनलाइकली द लीडर्स मस्ट फाइंड द टाइम टू डिस्कस वेज टू मिटिगेट द कैटोस्ट्रॉफी एट हैंड दोनों नेता हैं लीडर्स का, का काम यही होता है भाई पिछली स्थिति को बदल के नई स्थितियों की तरफ लेके आया जाए

लेट्स वेलकम गणेश द गी ऑफ विजडम पहले तो इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन सही करना बहुत सारे लोग एपिटोम बोलते हैं दैट इज इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट द द मीनिंग ऑफ एपिटमी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग तो गणेश को परफेक्ट एग्जांपल एपिटमी ऑफ विजडम कहा गया इस सेंस है वो विजडम के आइए पढ़ते हैं गणेश इज द एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ हिंदू माइथोलॉजी ही इज द एलडेस्ट सन ऑफ शिव एंड पार्वती

तो भाई निकल लिए चक्कर लगाने विश्व का और उन्होंने माता पिता के ही तीन चक्कर लगा लिए और विजडम का परिचय दिया दिस स्टोरी नॉट ओनली शोज हिज विजडम बट इट ऑल्सो टीचेज ग्रामेटिकल लेसन देखिए जो आपको एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलता है नॉट ओनली के बाद शोज लिखा ये भी वर्ब है और बट ऑल्सो के बाद टीचेज लिखा है ये भी वर्ब है नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद वॉट एवर वर्ड और फ्रेज यू पुट द शुड हैव पैरल स्ट्रक्चर राइट मतलब वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी है तो ये स्टोरी सिर्फ विजडम ही नहीं शो करती उनका बल्कि हमें ये भी टीच करती है कि वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड द सोर्स खास तौर से कि जो हमारा सोर्स है आ, माता पिता के जरिए हमारी आ, हम इस सृष्टि में आते हैं तो उसकी वजह से सोर्स की हमेशा इज्जत करें सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ विजडम एंड इसेंशियल फैक्टर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना किसको सेलिब्रेट करना है वेल्थ ऑफ विजडम को एंड ये प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए एक विजडम का होना गणपति इन संस्कृत मीनिंग द लॉर्ड ऑफ बींग्स गणपति आया ना तो गणपति मीनिंग द लॉर्ड ऑफ बींग्स गना मीन्स मल्टीट्यूड एंड ईशा और पति मीन्स लॉर्ड गणेश जो बना हुआ है गणेश आर गणपति सो गना मीन्स मल्टीट्यूड बहुत सारे एंड ईशा बींग्स आर इंसेंटियंट पर से परसे राइट पर्सन मीन बाई इट सेल्फ एक्सप्रेशन आ गया uh, अब देखो, को पता है तो इनसेमेंट मतलब नहीं है तो बींगस आर इनसे बाईल प्योर कॉन्सियसनेस एंड अगेन देखो कॉन्सियसनेस का सी जो है वो कैपिटल है इसका मतलब ये ऊपर वाले की तरफ कॉस्मिक कॉन्सियसनेस की तरफ गॉड की तरफ इशारा कर रहा है कि वही चीज या आप ऐसे समझ सकते हो शरीर हमारी मिट्टी है जो इस मिट्टी को जिंदा रखती है वो क्या है वो प्राण शक्ति है जिसको आप अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नाम देते हैं राइट आत्मा कह लेते हो आप सोल कह लेते हो उस सोल के निकलते ही फिर ये मिट्टी हो जाती है कोई भले ही कितना प्रिय हो घर पर नहीं रखते कहते ना मिट्टी आ गई भले सारे रिलेशनशिप वहां पर खत से हो जाते हैं तो वही बात है कि इस मिट्टी पर पंचमहाभूत के शरीर में जो जान डालने वाली चीज है वो जो प्राण शक्ति है जो कॉन्सियसनेस है जो आत्मा है जो चाई है जो चाहे नाम दो आप इसको आ, उसके इंपॉर्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि वो चीज हमें सेंटियंट बताती बनाती है वो चीज हमारे अंदर जान डालती है प्योर कॉन्सियसनेस इज इंडिकेटेड इन आवर स्क्रिप्चर्स एज अप्रिमेय अचिंत्य इमेजरेबल और इनकन्सीबेबल तो ये दोनों जो शब्द हैं हमारे संस्कृत के उनका अंग्रेजी लिखा गया अप्रिमेय यानी जिसको प्रमेय पढ़ा होगा आपने जिसको जो अपरिमित है जिसको आप माप नहीं सकते यानी इमेजरेबल है और अचिंत्य है यानी जिसके बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते इनकंसीबल है तो ये दोनों एस्पेक्ट बताए गए हैं उस प्योर कॉन्सियसनेस के लिए एज इट इज इंपॉसिबल टू अट्यून टू द इनकसीबल कॉन्सियसनेस डायरेक्टली द डिवाइज प्लान एंड ब्रॉट अबाउट मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडस रिप्रेजेंटिंग दैट क्योंकि भाई वो कॉन्सियसनेस को उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को गॉड को भगवान को ऊपर वाले को जो चाहे आप कहो उसको कंसीव करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो दिखाई तो कहीं देता नहीं कहते ना ऑमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट होता कहीं एक जगह प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज आप घर पे प्रेजेंट हो तो अपने कॉलेज अपने स्कूल फील्ड दोस्त के पास तो नहीं हो गए अगर जब आप ये सेशन देख रहे हो तो एट अ टाइम आप एक जगह हो सकते हैं उसको बोला जाता है ऑमनी प्रेजेंट ऑमनी पोर्टेंट ऑमनी शॉमनी कॉम्पिटेंट वो हर जगह है जो हर जगह होता है वो कहीं नजर नहीं आता तो वही चीज़ है कि हम उसको कंसीव ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सारा कंसेप्शन किसके आधार पर होता है हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स के आधार पर होता है और उन फाइव ऑर्गन्स की लिमिटेशन हैं आंखें सिर्फ विप रेंज देख सकती हैं हाँ या ना तो ऐसा तो नहीं कि वि रेंज के बाहर जो है वो हमें वो है नहीं हम कह नहीं जो देखता नहीं मैं मानता नहीं अरे देख ही नहीं सकते नेचर ने वो ताकत नहीं दी सुनने की ताकत 20 हर्ट से 20,000 हज़ार 20 हर्ड्स न बीस हर्ट से नीचे सुनाई देता ना बीस हज़ार हर्ट से ऊपर लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस रेंज से नीचे और ऊपर साउंड नहीं है हैं, लेकिन हमारी लिमिट से बाहर है कुत्ता हमसे बेहतर सूंघ पाता है उसको श्वान को ये शक्ति दी है नेचर ने तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जो सूंघ रहे हैं वो दुनिया का सत्य है सो वट एवर वी सी दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर सेल्व एंड दैट द फैक्ट एक्चुअली तो इसीलिए हम जो परसीव कर रहे हो जो रियलिटी है उसमें बहुत फर्क हो सकता है और ये बिल्कुल लॉजिकली सोचते हुए हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं सेंस ऑर्गन्स से हैं उनकी लिमिटेशन है और तब तो हमने इतना खुराफात मचाया है जब नेचर ने हमें लिमिटेड बना के भेजा तब हम इतने खुराफाती हैं कि ना हवा सांस लेने लायक छोड़ी ना पानी पीने लायक छोड़ा अगर नेचर और ताकत हमें दे देती दे तो हम कितना खुराफात मचाते खैर तो इसीलिए एक प्लान डिवाइस किया गया मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉड एंड आए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्योंकि आप क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है अब एब्स्ट्रैक्ट को कैसे समझोगे तो इंसान को एब्स्ट्रैक्ट तो एब्सोल्यूट ऐसे समझ में नहीं आता हमें सिर्फ डिफरेंसेस समझ में आते हैं व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक से लिखा है तो नजर आ रहा है हर जगह व्हाइट होगा तो नजर नहीं आएगा तो जो हर जगह वो नजर कैसे है कैसे समझाएं एक Uh, जो द्वैत वाली दुनिया का माइंड है वो कैसे समझेगा उसको तो काला सफेद चाहिए ना अच्छा बुरा चाहिए सही गलत चाहिए तब वो कंपेयर करके समझ पाता है इंसानी दिमाग एब्सोल्यूट नहीं समझता तो इसलिए ये गॉड गॉड बनाए गए जो अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करें ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे पीपल इंस्टॉल हिज मूर्ति मेड ऑफ क्ले इन देयर प्रेयर रूम एंड वर्शिप हिम विद मंत्र फॉर थ्री और टेन डेज एंड देयर आफ्टर द मूर्ति इज इमर्स्ड इन रिवर पॉन्ड और द ओशन this signifies the formless reality manifesting through a form and the subsequent cycle of birth and death the form perishes but the formless prevails ये ये तय करता है आज आज सोशल मीडिया पे भर भर के लोगों ने फोटोज डाली हैं गणपती आ गए घरों में स्थापित किए जाएंगे राइट पूजा पाठ होगी फिर गणपती का विसर्जन होगा तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है ये भाई देखो तो जो लास्ट लाइन यहां पे अभी मैंने पढ़ी है पूरा ही पढ़ लेते हैं तो ये तो समझ में आ गया पीपल इंस्टॉल हिज मूर्ति मेड ऑफ क्ले प्रेयर रूम में करते हैं और पूजा पाठ करते हैं फिर बाद में इमर्स कर देते हैं ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि फॉर्मलेस रियालिटी मैनिफेस्टिंग थ्रू अ फॉर्म ये फॉर्मलेस रियालिटी ये वो किसी फॉर्म के साथ नहीं आती हम फॉर्म्स बनाते हैं उसके लिए गॉड God, गॉडेस या रिप्रेजेंट करने के लिए तो फॉर्मलेस रियालिटी मैनिफेस्टिंग थ्रू अ फॉर्म एंड द सब्सिक्वेंट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जब आप उसको फॉर्मलेस को फॉर्म दे दोगे तो डेफिनेटली उसका भी साइकिल होगा उसका जन्म हुआ वो आए फिर उनकी विदाई हुई वो इमर्स हो गए तो वो पूरा साइकिल उनको भी पूरा करना पड़ेगा और यहां से क्या बात समझ में आ रही है द फॉर्म पेरिस कोई भी फॉर्म जो है वो तो पेरिस होगा ही बच्चा पैदा हो रहा है बड़ा हो रहा है एडल्ट हो रहा है बूढ़ा हो रहा है मर रहा है ये साइकिल तो सबकी है तुम कोई घर बना रहे हो वो घर बनने वाले दिन से ही उसके अंदर यू नो थर्मोडाइनमिक चेंजेस मोलिकुलर लेवल पे चेंजेस लगातार हो रहे हैं दस साल के बाद पंद्रह साल के बाद वो घर वैसा नहीं रहेगा चेंज तो हर पल हो रहा है फिर उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो कोई भी चीज जो फॉर्म में है जो स्ट्रक्चर में है वो पेरिश तो होगी ही होगी वो पेरिशेबल बट द फॉर्मलेस प्रीवियल लेकिन जो फॉर्मलेस है वो हमेशा ही रहेगा स्क्रिप्चर्स अवर दैट ये वो कैबलरी रूट वर्ड वी आर ट्रू अवर का मतलब क्या जो उस बात को की पुष्टि करता है तो स्क्रिप्चर्स इस, इस बात की पुष्टि करते हैं सत्यापित करते हैं फॉर्मलेस रियालिटी एक ओमकार वही वाली बात। कि वननेस के साथ आप जो है एकाकार हो जाए यही फाइनल है लेकिन उस वन को समझने के लिए डुअलिटी चाहिए तो फिर हम फॉर्म्स लेके आते हैं हिंदुइज नीदर बिलीव्स इन मल्टीपल गॉड्स नॉर इन वन गॉड हिंदुइजम ना तो एक मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करता है ना तो किसी एक भगवान में करता है इट्स अल्टीमेट डिक्लेरेशन इज दैट देर इज ओनली गॉड एंड नथिंग एल्स सिर्फ गॉड ही है और कुछ नहीं है इसीलिए कड़कड़ में भगवान वाली फिलोसफी है इसके अंदर राइट right. कड़कड़ में भगवान सभी के अंदर वो देखते हैं आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि नहीं ये हैं ये हैं ये हैं बड़ा ही लिबरल सिस्टम है राइट right. एक परिवार के अंदर ही बहुत सारे लोगों के जो क्या कहते हैं भाई जो उनके अभीष्ट देवता हैं वो अलग अलग हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई यहां पे एडमिंटनेस नहीं है बड़ा लिबरल सा सिस्टम है क्योंकि हर जगह इसीलिए लिखा है ओनली गॉड एंड नथिंग एल्स गॉड इज इनफाइनाइट ऑल पर वेडिंग एंडलेस हर जगह है एंडलेस है इनफाइनाइट है हर जगह व्याप्त है दिस इंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट डिविनिटी इन डिस्गाइज से आवर शास्त्राज हमारे जो शास्त्र हैं वो यही कहते हैं पूरा यूनिवर्स कुछ और नहीं है वो दिव्यता है जो डिस्गाइज में जो आपको अलग अलग रूप में दिखाई देती है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है द सेम व्यू इज हेल्ड बाई द पोएट थिंकर इमर्शन एवरी मैन इज इन इसीलिए हम कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। सभी के अंदर उसी का छोटा मिनिएचर फॉर्म अवेलेबल है अ गॉड प्लेइंग द फूल राइट एवरी मैन इज डिटी इन डिस्गाइज अ गॉड प्लेइंग द फूल ओनली अपॉन रियलाइजिंग द वननेस बिटवीन द रियलिटी एंड द थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको ऊपर ले चलते हैं

रुकावटों को ऑब्स्टिकल को हर ले गणेश इज इन्वोक्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू वार्ड ऑफ एनी ऑब्स्टिकल ऑन द वे वही है कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है उनको विघ्नहरता मानते हैं कि हर तरह की रुकावटों को वो दूर करेंगे इन्वोक किया जाता है इन अंदर से आह्वान टू अचीव सक्सेस टू फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट वन इज द इंडिविजुअल एफर्ट एंड द अदर इज गॉड्स ग्रेस दोनों की बात होती है कि भाई आपका अपना एफर्ट और साथ साथ ऊपर वाले का उसमें डेडिकेटेड हो कर्म कर जा रहे, कर रहे हो तो आपको फल तो मिलेगा ही फल की चिंता भी मन में नहीं उठती है यह भी बात है कि जब कर्म को आप मतलब जो जिस कर्म को करना है आप उसको कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं वो कर्म आपका ही है आ, किसी के प्रेशर में नहीं कर रहे दिल दिमाग से उसमें आप लगे हुए हो तो आपको कर्म के दौरान फल की चिंता होगी भी नहीं फिर ये आप नहीं कहोगे ये कर्म को करो फल की चिंता मत करो खैर ये आ, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना मिस इंटरप्रेटेड है जो पब्लिकली सभी लोग बोलते और कहते हैं उसके पहले मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी है आपके लिए लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि उस दौरान आपको फल की चिंता वैसे भी नहीं होगी जो फल है जो रिजल्ट है वो क्या है वो बाई प्रोडक्ट है जैसे कहा जाता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं अगर वो काम ढंग से कर रहे हैं पूरी तरीके से कर रहे हैं देन द सक्सेस द मनी दिस एंड दैट दैट वुड बी द प्रोडक्ट आपको उसकी चिंता भी नहीं होती वो तो आएगा ही तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है राइट right? जो ओपन माइंडेड इंडिविजुअल हैं जो कि राइट एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनको वो ग्रेस मिलती है जस्ट एज रेन वाटर फॉलिंग ऑन द माउंटेन टॉप एंड वैली गेट्स कलेक्टेड ओनली इन द वैली राइट सो टू पीपल विद ह्यूमिलिटी एक्सेप्टिंग देयर लिमिटेशंस And surrendering to to God received that grace enabling them to ward up the difficulties faced in any pursuit. अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया जैसे rain water जो है माउंटेन टॉप पे भी पड़ता है and valley gets collected only in the valley. तो मतलब टॉप पे ही पड़ेगा घाटी में भी पड़ेगा अब वैली आपको नीचे का हिस्सा दिखा रही है टॉप ऊपर का दिखा रहा है लेकिन पानी अंततः जाएगा कहाँ पे जो नीचे है पानी वैली में ही इकट्ठा होता है तो ये क्या दिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ह्यूमिलिटी वाले लोग होते हैं जो हम्बल लोग हैं जो चौड़े में नहीं घड़े हैं राइट उनको सारी जो चीजें हैं ग्रेस है वो मिलेगा और अपनी लिमिटेशंस को जो एक्सेप्ट accept करे एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सभी के अंदर कमियां होती हैं लेकिन कुछ वो लोग हैं जो कमियों को छुपाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं कि लोगों को पता ना लग जाए मेरे अंदर ये कमी है भाई लोगों से क्या लेना देना है जिंदगी तो हमारी है ना अगर मुझे ये पता है मेरे अंदर ये कमी है और जहां भी कोई ऐसा मौका आएगा जहां उन तरह की स्किल्स की जरूरत हो जिस तरह की स्किल की मेरे अंदर कमी है तो मेरी धड़कन लग तुरंत बढ़ जाएगी यार आज तो कहीं पोल खुल ही ना जाए आज कहीं पोल खुल ना जाए अभी तक तो छुपा लिया अब कहां छुपाऊंगा तो ऐसा आदमी जिंदगी भर डरा डरा सहमा सहमा जीता है लेकिन जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता है एक बार उस पर काम करना शुरू कर देगा तो दोनों तरीकों में हमारी ऊर्जा लग रही है छुपाने में भी ऊर्जा लगती है बहुत ज्यादा हम परेशान रहते हैं लोगों को पता न लग जाए यार छुपाना किससे है उसको एक बार एक्सेप्ट कर लोगे तो काम करने लग जाओगे तो शायद जिस चीज को आप दो साल से तीन साल से छुपा रहे थे कि लोगों को पता न लग जाए एक्सेप्ट करते हो सकता है एक महीने की मेहनत के बाद आप उस चीज पे विजय प्राप्त कर लें उसी की बात यहां पे हो रही है एक्सेप्टिंग देयर लिमिटेशन एंड सरेंडरिंग टू तो गॉड रिसीव दैट ग्रेस तब आप उस ग्रेस को रिसीव करते हैं इनेबलिंग देम टू वॉर्ड ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड इन एनी पर जो भी रास्ते में रुकावटें आएंगे वो सब

Uh, सही शब्द मेरे दिमाग में अभी हिट नहीं कर रहा आ ही जाएगा धीरे धीरे आपको ये पढ़ाते पढ़ाते बड़े सारे अच्छे अच्छे शब्द जो मेरे स्टॉक में हैं वो निकलेंगे हिंदी वाले भी तो uh, मतलब काम के फल के भाव से आप वो काम ही नहीं कर रहे वो सरेंडर्ड है ठीक है मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई चिंता नहीं लेकिन काम तो आप कर रहे हो ना पूरी तरीके से ऐसा नहीं कर रही कि चुपचाप बैठ गए कि नहीं ऊपर वाला देखेगा उस सरेंडर की बात नहीं हो रही है यहां सरेंडर करने के लिए क्या कहा जा रहा है जो आपकी इगोसेंट्रिक डिजायर्स हैं जो अहम का भाव है उस अहम के भाव को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि अहम में मत रहो कि नहीं मैं हूं वो वाली चीज ईगोइस्टिक जो एटीट्यूड है उसको छोड़ने की मेरे फायदे का क्या है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों शब्दों में बड़ा फर्क होता है ईगोइस्ट वो इंसान होता है जो सिर्फ अपनी भलाई सोचता रहे अपनी भलाई सोचना कोई बुरी बात नहीं है मेरी अगर भलाई नहीं होगी तो मैं किसी और की भलाई करने के हालात में नहीं होगा लेकिन हमेशा बस अपने भले के बारे में सोचते रहना और आसपास के बारे में बिल्कुल ना सोचना ये दिक्कत का सब बन जाता है क्योंकि अगर आप अच्छे हैं और आसपास के लोग अच्छे हालत में नहीं तो आप कितनी देर तक अच्छे रह पाएंगे आप हमें लोगों के साथ ही रहना है तो अगर जो लोग हमारे साथ हैं अगर वो सुखी नहीं है और आपको लग रहा है कि उनके दुख में आप सुखी रह पाओगे तो नहीं रह पाओगे तो उस कॉन्टेक्सट में ये बात कही जा रही है राइट एटीट्यूड कपल्ड विद राइट एफर्ट अलाइन विद द टोटल अलाइन विद द टोटल कलमिनेट्स इन सिद्धि और सक्सेस जब राइट एटीट्यूड राइट एफर्ट के साथ कपल होता है और विद द टोटल उस वननेस के साथ अलाइंड होता है तो ये कलमिनेट होता है इसका जो जो फाइनल फाइनल होता है product, है प्रोडक्ट रिजल्ट आता वो सफलता के रूप में आता है आप सिद्धि प्राप्त करते हैं द हिंदू वे ऑफ लाइफ इज दस गॉड सेंट्रिक एंड नॉट ईगो सेंट्रिक इसीलिए जो सो कॉल्ड हिंदू वे ऑफ लाइफ है वो गॉड सेंट्रिक है ना कि ईगो सेंट्रिक राइट तो ये था हमारा पैसेज हा आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आज हमारी स्पीड अच्छी रही है ना चलो फाइंड ऑड वन आउट बेल आउट सपोर्ट रेस्क्यू सेव एंड कॉन्डोलेंस किसको बाहर करोगे भाई बेल आउट पैकेज भी सपोर्ट होगा किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हो बचाने की कोशिश कर रहे हो तो एक तरह का सेंस रखते हैं कौन सा ऑड वन आउट है कॉन्डोलेंसेज है वॉट इज दिनियम ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेंडेड अलग थलग पड़े हुए हो. Redeemed, deserted, deserted. ये इसका हो गया. बाकी हर जगह तो साथ है ये कॉम्पनी कर रहे हैं रेस्क्यू कर लिया गया आपको रिडीम कर लिया गया रिडीम शब्द खूब सुनते हैं आप हैं. ये word, है? Luck, installment. Installment है ये इतने क्वाइंस रिडीम कर लिएट इज दिनियम ऑफ द वर्ल्ड ट्रांस बैड लक मिस फॉर्चून सक्सेस आर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट है ये कि भाई पूरे पैकेज का बाकी के शब्द आसान है वॉट इज द एंटनीम ऑफ द रिसीड रिट्रीट विदड्रॉ रिटायर एंड अप्रोच तो बाकी सब तो पीछे की तरफ ही जा रहे हैं अप्रोच उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो यहाँ एंटनीम पूछा जा रहा है डी करेक्ट ऑप्शन है और अब ये क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग ये लास्ट जो हमने किया था कल के पैसे से जो किए थे उनके ऊपर है फटाफट ऑर्डर बता दो आप इसको हम 45 मिनट्स के अंदर जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे कई बार बड़ा भी हो जाता है ट्यूटोरियल आज का जैसे बहुत आसान सा था बट ट्राई की 40 45 मिनट्स में हम इसको खत्म करें और ये अच्छी उपलब्धि रहेगी हमारी कि दो अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल पूरा पढ़ना समझना क्वेश्चन करना चले जी कर लिया सॉल्व आपने तो यूफेमिज्म क्या था माइल्ड वर्ड था किसी बुरी बात को ऐसे कहो चुभने वाली बात को ऐसे कहो कि चुभे ना Punitive क्या है पनिशेबल है प्यूनिटी मेजर्स का मतलब जो आप किसी को पनिशमेंट के तौर पे दे रहे हैं एक नॉमिनी क्या है डिफेमेशन है राइट right? फेस्टरिंग क्या है कल हमने किया था जब कोई घाव सड़ने लग जाए कोई चोट लगी हो आपको इंफेक्शन हो जाए वो सड़ने लग जाए फेस्टरिंग और जो बचा हुआ है फ्लरी वो चले जाओगे आप स्पेल के साथ सो विद दिस वी आर रैपिंग अप टूडेज डिस्कशन हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस सेशन और नॉट मजा आ रहा है इंग्लिश में अब डर आपका दूर हो रहा होगा कि रीडिंग बहुत मुश्किल काम होता है मैं कहाँ से पढूं समझ में कैसे आए तो आज मुझे कुछ फीडबैक अपने बैचेस के अंदर भी मिले अच्छा हाँ आपके बैंकिंग बैच की शुरुआत हो चुकी है कल से होगी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं ध्यान रखिएगा बैंकिंग अचीवर्स बैच सिक्सटीन है ये ठीक है तो इस बैच में कल से क्लासेस हमारी शुरू होंगी डेफिनेटली शुरुआती क्लासेस वो फ्री भी होती हैं और कल इंट्रो क्लास होगी जहाँ पे हम आ, सारी बातें डिटेल्ड मैनर में चर्चा करेंगे राइट की बैंकिंग की इंग्लिश जो है और वो सारे सब्जेक्ट में होगी मेरी क्लास नाइन थर्टी होगी वो करियर वैब पे फ्री होगी राइट आप वहाँ पर देख सकते हैं तो ये कंप्लीट बैच होता है आपका बैंकिंग अचीवर्स बैच प्री प्लस मेन्स एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस ठीक है बहुत आनंद आ रहा है मज़ा आ रहा है चलो अच्छी बात है वेलिडिटी इंक्रीज करने के लिए धनेश्वरी पूछ रही है फिफ्टी नाइन उसके लिए अब आपको आ, बात करनी पड़ेगी टीम से राइट वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता शिवानी ने कहा आई फर्स्ट सीन द स्टैंडर्ड वर्ड इन न्यूज़पेपर इन कोविड टाइम्स चलो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स वही है आपको फिर समझ आने लगता है यस सर मज़ा आ रहा है इंग्लिश ईजी हो गई है चले अब कॉन्फिडेंस आ रहा है चलो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच मुलाकात करते हैं कल कल के ट्यूटोरियल्स के साथ कीप रीडिंग कीप लर्निंग कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग थैंक यू थैंक यू एवरीवन